बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वेलकम टू शायगान लर्निंग फोरम। टुडे आवर टॉपिक इज़ अबाउट द ओवुलेशन इंडक्शन। ओवुलेशन इंडक्शन को समझने के लिए हम समझ देंगे इसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। होता क्या है कि फीमेल के रिप्रोडक्टिव एज के दौरान एवरी मंथ ओवरी में एक एग डेवलप होता है। ये एग डेवलपमेंट के बाद ये रिलीज होता है इनटू द फिलोपियन ट्यूब फॉर द फर्दर मैच्योरेशन। इस प्रोसेस को ओवुलेशन कहते हैं कि एग का ओवरी में बनना और इसका रिलीज हो जाना इनटू द फिलोपियन ट्यूब, द प्रोसेस इज कॉल्ड ओवुलेशन प्रोसेस। यहाँ पर क्या होता है, फिलोपियन ट्यूब में एग की मैच्योरेशन होती है और फर्दर अगर ये स्पर्म के साथ फर्टिलाइज हो जाता है तो ये बनाता है जायगोट, जो कि फर्दर जाके यूट्रस में इम्प्लांट हो जाता है और सक्सेसफुल प्रेगनेंसी का सबब बनता है। अब होता क्या है कि अगर फर्ज के यहाँ पर मैच्योर्ड एग जो है वो अनफर्टिलाइज रह जाए, मीन्स कि उसकी फर्टिलाइजेशन ना हो स्पर्म के साथ, सो ये एग जो है विद द प्रोसेस ऑफ मेंस्ट्रुएशन इट रिलीज फ्रॉम द बॉडी आउट। अब होता क्या है कि इस पूरे प्रोसेस को हमारा एंडोक्राइन सिस्टम कंट्रोल करता है, जो कि ग्लैंड्स पर मुश्तमिल है, और वो हार्मोन्स रिलीज करता है और वो केमिकल मैसेंजर का काम करते हैं। द प्राइमरी मास्टर ग्लैंड इज अवेलेबल इन अवर ब्रेन, दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड, विच रिलीज गोनेडोट्रोफिन्स इन द फॉर्म ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। ये दोनों फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स रिप्रोडक्टिव एज के दौरान इस पूरे प्रोसेस को, मीन्स कि एग डिवेलपमेंट इन द ओवरी, एग रिलीज फ्रॉम द ओवरी इनटू द फिलोपियन ट्यूब, मैच्योरेशन ऑफ एग इन द फिलोपियन ट्यूब एंड फर्दर इम्प्लांटेशन ऑफ दिस जायगोट इफ इट इज फर्टिलाइज विद द स्पर्म इनटू द यूट्रस एंड लीड्स टू द सक्सेसफुल 9 months प्रेगनेंसी। दिस होल प्रोसेस, आइदर प्रेगनेंसी होल प्रोसेस, आइदर ओवुलेशन फॉर द मेंस्ट्रुएशन, इस प्रोसेस को ये दो हार्मोन्स, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कंट्रोल करते हैं। अब सपोज किसी भी वजह से इन दो हार्मोन्स की प्रॉपर रिलीज नहीं होती और ये बॉडी में इम्बेलेंस हो जाते हैं। जब ये इनके इम्बेलेंसिंग होती है तो यहाँ पर ओवरी में जो एग डिवेलप हो चुका है, इट कॉन्ट प्रॉपरली रिलीज फ्रॉम द ओवरी इन टू द फिलोपियन ट्यूब। तो इस प्रोसेस को कहते हैं एन ओवुलेशन, और इस एन ओवुलेशन प्रोसेस को जब हम ड्रग्स के ज़रिए ट्रीट करते हैं, सपोज़ अगर हम इसको ड्रग के ज़रिए, द प्राइमरी टाइम टेस्ट ड्रग अवेलेबल इन द मार्केट इज क्लोमिफेन सिट्रेट विद द नेम ऑफ फर्टैब। अगर हम इसको क्लोमिफेन सिट्रेट से इसको ट्रीट करते हैं और इसको ट्रीट करने की वजह से वो प्रॉपर ओवुलेशन या फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स की जो क्वांटिटी है वो प्रॉपर रिलीज हो जाए और उसकी वजह से एन ओवुलेशन का प्रोसेस जो है दोबारा रिवर्स होकर ओवुलेशन प्रोसेस हो जाए और सक्सेसफुली आइदर द प्रोसेस गोज leads to the pregnancy or the process leads to the menstruation, इस पूरे process को कहते हैं ovulation induction। Thank you so much।